हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। रिफंड प्रोसेस जीएसटी का स्टार्ट हो चुका है। हम में से जितने लोग रिफंड के लिए फंसे हुए हैं, अब हम सब लोगों को अपना रिफंड अप्लाई करना है। इस वाले वीडियो में क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन आंसर पे स्पेशल लेके आएंगे आप सबके लिए। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं रिफंड प्रोसेस पे। जो आपको ITC का रिफंड लेना होता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का, आप सबको पता है आप IGST लगा के एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको IGST का रिफंड मिलता था। और अगर आप नहीं लगाते, यानी कि LUT बॉन्ड के अगेंस्ट करते हो, बॉन्ड अब हट गया है तो आप LUT के अगेंस्ट करते हो, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड GST के पोर्टल पे ऑनलाइन मिलना शुरू हो गया है। एक बार हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन में किस तरह फाइल करनी है। ये आप यहाँ पे लॉगिन करके जब सर्विसेज में जाएंगे तो सर्विसेज में रिफंड आपको दिखेगा। रिफंड सर्विसेज में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर रिफंड, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन आपको ये रिफंड वाले पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। आपको मंथ चूज करना होगा, आप किस मंथ की रिफंड की बात कर रहे हैं। तो जिस मंथ की आपको रिफंड चाहिए वो मंथ चूज करेंगे और उस पर आप क्रिएट लिखेंगे। देन यहाँ पे आपको टेबल नंबर 3A फिल करनी है। टेबल नंबर 3A फिल करनी है आपको उस अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए जिसकी आप अमाउंट क्लेम कर रहे हो। सबसे पहले आपको टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि आप जीरो रेटेड वाली जो आपको टर्नओवर है वो आपको बतानी है। नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया गया है GST लॉ में कि जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उसमें आपने जितना ITC अवेल किया था, दैट इज योर नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। देन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, मतलब आपकी पूरी टर्नओवर, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, सारी टर्नओवर जितनी भी है सब टर्नओवर मिला के, दैट इज योर नेट एडजस्टेड टर्नओवर। देन रिफंड का अमाउंट, रिफंड का अमाउंट कैलकुलेट कैसे होना है, मुझे प्रोपोर्शनेट निकालना है इसको। जो मेरी टोटल टर्नओवर है और जो मेरी एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसको प्रोपोर्शनेट निकालना है ITC के अमाउंट को। सिंपल फॉर्मूला है ITC नेट ITC मल्टीप्लाई विद एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, तो वो रेशियो यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके जो रूल 89 है उसके अंदर भी गिवन है। बहुत पहले मैंने वीडियो किया था तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन भी किया था फॉर्मूला को। लेकिन जो आपको अमाउंट एलिजिबल है रिफंड के लिए, अब ये आप नेक्स्ट टेबल जब देखोगे, मजे की बात ये है कि आपको अमाउंट, ये आपकी मैक्सिमम अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगी। नहीं, इतना रिफंड आपको नहीं मिलेगा, ये मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब आपको रिफंड मिलेगा किसका? सबसे पहले वैल्यू एज पर स्टेटमेंट 3A जो इन्होंने यहाँ पे लिया है। देन बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस क्यूब जितना भी आपका बचा हुआ है वो आपको रिफंड मिलेगा। अच्छा, इस प्रोविजन का क्या फ़ायदा है? काफ़ी दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन रेज भी किया था कि मैं अगर रिफंड भी ले लूँ और ITC भी यूटिलाइज कर लूँ तो GST को कैसे इसको वो करेंगे, क्योंकि लॉ में तो कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप ITC भी ले सकते हो, आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। जब आप रिफंड क्लेम करते हो तो उतनी ही अमाउंट आपकी जो ITC लेजर में बैलेंस है वो रिवर्स हो जाता है अपने आप। और अगर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया पहले और अब मैं बोलूँ कि अच्छा मुझे ITC का रिफंड दे दो, तो ऐसा भी नहीं होगा। इसीलिए ये वाली अमाउंट यहाँ पे लाई है गवर्नमेंट ने कॉलम में कि अगर आपके ITC लेजर में बैलेंस ही नहीं बचा है तो आपको रिफंड मिलेगा ही नहीं। तो आपके ITC लेजर का बैलेंस प्लस आपकी जो एज पर 3A स्टेटमेंट आई है प्लस आपका जो टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि आपने जितना अवेल किया है उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, इनमें से जो सबसे कम है, तो नीचे बस आपको अब इन तीनों में से जो अमाउंट है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ डालनी है, वो करना कुछ नहीं है उसमें आपको। और इसमें जो देखो आप देख रहे होंगे तो जो आपका बैलेंस है क्रेडिट लेजर को अपने आप ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो आपको एंटर भी नहीं करनी है। ऊपर वाली जो होगी आप ऊपर एंटर करोगे वो ऑटो कैलकुलेट होगी, वो भी अपने आप आ जाएंगी नीचे अमाउंट, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। जितना आपने अवेल किया ड्यूरिंग द पीरियड वो भी अपने आप आ गया, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देन जब आप लास्ट में जाएंगे इसके, तो ये आपको पूछ रहा है कि आपका हेड जो है इंटीग्रेटेड का, जिसमें जितना जितना रिफंड है वो अपने आप ये भी आ जाएगा जब ऊपर वाली आपकी फिल हो जाएंगी। तो देन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, द बैलेंस इज इलेक्ट्रॉनिक ITC इज फॉर मैच्ड ITC, यानी कि मैच के लिए। जब प्रोविजनल को अगर रिवर्सल होगा तो ये भी फिर रिवर्स हो जाएगा। देन यहाँ पे आके आपको अपना बैंक अकाउंट चूज करना है। बैंक अकाउंट चूज करके इंपॉर्टेंट मैसेज एक उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो आप डिटेल फाइल कर दोगे तो उनको आप पहले सेव करने के बाद करेक्ट कर लें। फाइल करने से पहले, वो आपको पता ही है कि GST में एडिटिंग करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एडिट पता नहीं फिर मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। देन आपको नीचे डिक्लेरेशन पे टिक करके और प्रोसीड पे क्लिक करना है, रिफंड आपका आ जाएगा। इन्होंने कहा एप्लीकेशन कैन बी सेव्ड एट एनी स्टेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ 15 डेज।
अगर 15 डेज में आपने सबमिट नहीं की तो वो अपने आप ही आपका जो सेव ड्राफ्ट है वो खत्म हो जाएगा, जीएसटी डेटाबेस से निकल जाएगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे रिफंड के लिए। ये जो मैंने आपसे रिफंड डिस्कस की ऑनलाइन वाली सिर्फ आईटीसी के लिए है, मतलब जहाँ पे मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो बैलेंस बचा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, सिर्फ उसका रिफंड चाहिए। जहाँ पे आपने आईजीएसटी पे किया था तो सिंपल गुड्स के केस में आपको जब आप शिपिंग बिल की डिटेल फाइल करोगे और जीएसटी R1 फाइल करोगे आपका रिफंड उससे आ जाएगा। जीएसटी R1 आप सारी की सारी फाइल कर सकते हो, आपकी पीछे की भी ओपन होगी, जुलाई वाली भी जीएसटी R1 ओपन हो चुकी है। देन आपका जो सर्विस, अब सर्विसेज पे जो आईजीएसटी पे करके जिन्होंने एक्सपोर्ट किया था उनको कैसे मिलेगा, उनको हार्ड कॉपी में फाइल करना पड़ेगा RFD 1A फॉर्म, ऑलरेडी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वो अपने जो आपका नियरेस्ट डिपार्टमेंट है, आपकी ज्यूरिसडिक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके आपको फाइल करना पड़ेगा। और जो बाकी के थे इन्वर्टेड टैक्स रेट पैटर्न वाला, या आपने काफ़ी लोगों ने 3B फाइल करते हुए गलत टैक्स पे कर दिया था, गलत वहाँ पे लिखने की वजह से क्योंकि एडिट नहीं था तो ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था, तो वो भी अगर आपकी कैश लेजर में कोई बैलेंस बचा हुआ है तो उसका भी आपको अब रिफंड मिल जाएगा। तो अब जल्दी अपने रिफंड के लिए अप्लाई करें ताकि जल्दी जल्दी आपको मिले भी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 महीने तक फॉर्म नहीं आने की वजह से जो लोग रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर पाए उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों ने अगर अपना टैक्स पे किया है लेट तो उनको वहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है कि आपको पेमेंट पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बट आपको मिल नहीं रहा है, दैट्स रियली रॉन्ग, क्योंकि फॉर्म अवेलेबल नहीं था तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। बट ये भी एक डिमांड है गवर्नमेंट से कि उसको चेंज करें और उस पर इंटरेस्ट दें। ऑल्दो इंटरेस्ट जैसी चीज़ें वो बहुत उसको नॉर्मल मानते थे, मतलब उसको नहीं अलाउ करते, उनको नहीं लगता कि एक टैक्स पेयर का राइट है, उनको लगता है कि इंटरेस्ट लेना जनरली गवर्नमेंट का ही राइट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ही राइट होता है। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। रिफंड से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट में, उस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। साथ ही एक नया वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे जो जीएसटी के लेटेस्ट फीचर्स स्टार्ट हुए हैं, जो लेटेस्ट जीएसटी के अपडेट्स हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।